हाय एक्वेरियंस, गुड इवनिंग. दिस इज गिनी अनेजा और ये है आपकी अप्रैल महीने की टैरो एंड ओरेकल रीडिंग. देखते हैं इस महीने आपके लिए क्या है. तो यहाँ पर मैंने टैरो डेक्स सब लगा रखे हैं, उसमें से एक एक कार्ड निकाल के जो भी गाइडेंस आ रही है मैं आपको दे रही हूँ. ये आपके सूर्य राशि, सॉरी, चंद्र राशि और लग्न राशि के लिए है. आपकी जिंदगी में तो रोमांस आने वाला है, रिश्ते सुधरने वाले हैं, सुंदर होने वाले हैं, प्यारे होने वाले हैं. तो एक तो वो, उसके अलावा आपकी जिंदगी में पिछले जन्मों से बहुत सारे लोग आने वाले हैं, बहुत सारे लोग आने वाले हैं. हो सकता है कि आपको नींद में डरावने सपने आए, या आपके पूर्वज आए, या आपके पिछले जन्म के लोग आए, उन पर ध्यान देना, अपने सपनों पर ध्यान देना कि वो आपके लिए क्या संदेशा लाए हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं. और आपको अगर किसी किस्म की कंफ्यूजन होती है, कंफ्यूजन के ये करूं या वो करूं, खास करके इमोशनली कंफ्यूजन्स अगर कुछ होती हैं तो आप रीडिंग ले लेना. गिनियानेजा.com मेरी वेबसाइट पे जाके वहां से मुझे कांटेक्ट कर लो और रीडिंग के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर लो. तो आप हिप्नोथेरेपी करके अपनी पास्ट लाइफ में आपके अगर कुछ इश्यूज हैं उसको भी सॉल्व कर सकते हो. लेकिन अगर आप मेडिटेशन करने लग जाओगे तो हो सकता है कि आपको अपनी पास्ट लाइफ खुद ही नजर आ जाए और पता चल जाए कि मेरी पास्ट लाइफ में ऐसा हुआ था या ये लोग थे तो इनके साथ मेरे ये कर्म के ऋणानुबंध कहते हैं, मतलब के कर्म के बंधन हैं, जो एक धागा सा होता है सिल्वर कलर का, सिल्वर कॉर्ड, तो उसको कैसे खत्म करना है ताकि आप अपने कार्मिक सारे कर्जे खत्म करके मुक्ति पा सको. खास करके माफी मांगना और माफ करना. तो एक तो वो, तो मेडिटेशन आप जितना करोगे आपके लिए उतना बेहतर रहेगा. उसके अलावा आपको क्लियर क्वार्ट्स के क्लस्टर्स या क्रिस्टल अगर आपको चाहिए तो मेरे पास है, आप मुझे बता सकते हो. यू कैन बाय इट फ्रॉम मी. क्लियर क्वार्ट्स का क्रिस्टल आपको इस्तेमाल करना चाहिए. ब्रेसलेट पहन सकते हो, माला पहन सकते हो, क्लस्टर रख सकते हो अपने बेड के पास. और क्लियर क्वार्ट्स जो होता है, खास करके लुमेरियन क्वार्ट्स, उसके अंदर मेमोरी होती है, तो उसके अंदर सदियों की मेमोरी है. तो कहीं ना कहीं आपके किसी और पिछले जन्म का जो भी राज वाज वो सब हो सकता है उसमें, कि वो आप अगर अपने पास रख के सो या उसको बोलो कि ऐसे क्रिस्टल को हाथ में पकड़ो. यहाँ पर क्रिस्टल है नहीं कोई, हाँ ये रहा, तो क्रिस्टल है तो उसको हाथ में पकड़ो. ये तो लैब्राडोराइट है, लेकिन उसको हाथ में पकड़ो और उसे बोलो कि आज रात को सपने में मुझे बताना कि मेरी कौन सी पास्ट लाइफ में इस चीज को लेकर कोई दिक्कत थी, ताकि मैं उसे हील कर सकूं और मेरी हीलिंग में मदद करना. और उसे अपने तकिए के नीचे रख के सो जाओ. और अगर आपने ब्रेसलेट पहना है तो फिर ब्रेसलेट को इस तरह से हाथ में पकड़ के मतलब वो बात कर लो उससे. तो वो आप कर सकते हो. और मेडिटेशन करते वक्त खास करके आपको क्लियर क्वार्ट्ज इस्तेमाल करना चाहिए. इसके अंदर क्लियर क्वार्ट्स बताया है, तो क्लियर क्वार्ट्स इस्तेमाल करना चाहिए. उससे आपके कर्म कटते जाएंगे जैसे जैसे आप एक एक पास्ट लाइफ को हील करोगे. अगर आपको हिप्नोथेरेपी सेशन वगैरह चाहिए हो तो बताना, आई विल पुट यू ऑन टू सम अदर पीपल. हालांकि मैं भी हिप्नोथेरेपिस्ट हूं पर मैं करती नहीं. आपको सनत कुमार कहते हैं, लाइट एक्टिवेशन, शाइन योर लाइट, योर इंटरनल गाइडेंस इज कमिंग थ्रू लाउड एंड क्लियर. वाओ, सनत कुमार कहते हैं कि हम आपको गाइडेंस भेज रहे हैं, तो प्यार और ईश्वर की रोशनी से काम करें, अपने जो भी कर्म करें, और मेडिटेशन करें,
मेडिटेशन में आपको अपने हायर सेल्फ से और सनत कुमार से गाइडेंस मिलेगी। मेडिटेशन बहुत जरूरी होने वाला है आपके लिए। और उसके अलावा सनत कुमार को आप बुला सकते हैं मेडिटेशन में गाइडेंस के लिए। उसके अलावा अगर आप किसी को बुलाना चाहें तो लकाबेल करके एक एंजल हैं, आप उन्हें बुला सकते हैं आपकी मदद करने के लिए। लकाबेल, तो आप उन्हें बुला सकते हैं अपनी मदद के लिए सनत कुमार के अलावा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर देना और लाइक भी। और अगर आपको पर्सनल अपॉइंटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी तो आप मेरे वेबसाइट guineyaneja.com के द्वारा मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच, गुड बाय।